यूपी में मंत्रियों की तीसरी ट्रेनिंग आज होगी। इससे पहले 8 सितंबर को मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया था। इस ट्रेनिंग सेशन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई थी, साथ ही लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग भी दी गई। पहले दिन की ट्रेनिंग में मंत्रियों को कुछ टास्क दिए गए थे और अलग अलग मंत्रियों को समूह बनाया गया था। नए मंत्रियों से बेहतर परिणाम मिले और पुरानों को अपडेट करने के लिए योगी सरकार की पहल पर IIM ने 3 दिन का विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक CM योगी और मंत्रियों की पाठशाला चलेगी। तो आज तीसरा सेशन होगा इस ट्रेनिंग का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के गुरु लोग जो हैं वो मंत्रियों को ट्रेनिंग देंगे। राजेश सोनी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर जुड़े हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे ये तीसरा सेशन शुरू होने वाला है, इसमें क्या कुछ खास होगा मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए? जी देखिए कुलदीप, मैं बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया कि वो खुद और उनके सभी मंत्री IIM में ट्रेनिंग लेंगे और सुशासन और बेहतर प्रबंधन को लेकर के कैसे कामकाज कैसे सफल बनाए जा सकते हैं, कैसे सरकार के जो नीतियां हैं उनको सही तरीके से संचालित किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लखनऊ में वो लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आज तीसरा सेशन है। जिस तरीके से देखा गया कि 8 सितंबर को होने वाले सेशन में जिस तरीके से देखा गया कि प्रबंधन के तमाम गुर उनको सिखाए गए, जो IIM के प्रोफेसर थे उन्होंने तमाम चीजों को लेकर कि कैसे वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाए, फाइलों का निस्तारण कैसे किया जाए, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका उनको जमीन तक कैसे पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं प्रबंधन के गुर उनको सिखाए गए हैं। और इसी के साथ ही देखा गया कि दूसरा सेशन जब स्टार्ट हुआ, दूसरा सेशन 15 सितंबर को हुआ, उसमें मंत्रियों के साथ में तमाम वो आला अधिकारी भी मौजूद रहे जिनको प्रबंधन के कहीं ना कहीं पाठशाला ये जो चल रही है उसमें भी उनकी भी मौजूदगी रही है। और इसी के साथ ये देखा जा रहा है कि सरकार अब किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है और इसी के साथ साथ 2022 पर भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की नजर है। राजेश आपसे ये जानना चाहेंगे यकीनन सरकार की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल शानदार है। स्किल्स सीखेंगे विधायक या फिर मंत्री लोग, लेकिन ये बताइए कि 2 सेशन हो चुके हैं, आपकी कई मंत्रियों से विधायकों से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कार्यप्रणाली में वर्किंग स्टाइल में चेंज आया है, जमीन पर उतारना शुरू किया है जो स्किल्स उन्होंने सीखे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस लिहाज से इस पूरी जो ट्रेनिंग का संचालन किया गया है और ट्रेनिंग में जो मंत्री पूरी तरीके से सहभागिता जिन्होंने रखी है, कहीं ना कहीं उनके कामकाज में बदलाव आया है। समय से कैसे काम करना है, नीतियां कैसे लागू करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने काम भी शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से पहले सेशन में ग्रुप बना करके उनको ट्रेनिंग दी गई कैसे कामकाज करने हैं, तमाम मंत्रियों को जो है एक अलग अलग ग्रुपों में उनको बांट करके ट्रेनिंग दी गई है। और इसी के साथ ही अधिकारियों को भी जी बहुत शुक्रिया राजेश सोनी पूरी जानकारी के लिए आपका।